कंडोम आज के दौर में हमारी जिंदगी की एक अभिन्न जरूरत। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कंडोम का आइडिया कैसे विकसित हुआ? दुनिया का सबसे पहला कंडोम कब और कैसे बना? वक्त के साथ कंडोम का सूरत हाल कैसे बदलता गया? सदियों पहले सुरक्षित यौन संबंध के लिए लोग क्या किया करते थे? तो चलिए समझिए .com की इस रिपोर्ट में समझते हैं कंडोम का इतिहास और उसके सफर की कहानी को। अमेरिका में नाइट कैप, फ्रांस में ला सिएस्टे, जापान में बाबाला, यूके में जॉनीज, डेनमार्क में रबरमैन, चीन में ब्यून ताओ, रूस में प्रिजर्वेटिव, तो भारत में निरोध। चौंकिए मत, ये सब कंडोम के अलग अलग नाम हैं, जो अलग अलग देशों में प्रयोग किए जाते हैं। कंडोम, जब भी इस शब्द का जिक्र मिलता है तो आसपास वाले झिझकने लगते हैं, बगले झांकने लगते हैं। आज तो कंडोम के कई अलग अलग प्रकार हैं, मसलन लेटेक्स कंडोम, प्लास्टिक से बने कंडोम, लैम्प स्किन से बने कंडोम, ल्यूब कंडोम, डॉटेड कंडोम, फ्लेवर्ड कंडोम वगैरह वगैरह। लेकिन पहले के दौर में जब तकनीक विकसित नहीं थी, उस दौर में सुरक्षित यौन संबंधों और गर्भ निरोध के लिए लोग क्या उपाय अपनाते थे? दरअसल दुनिया भर में जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, इंसान धीरे धीरे जिंदगी जीने का सलीका सीखने लगा। तब मर्दों औरतों को सुरक्षित यौन संबंध यानी सेफ सेक्स की जरूरत महसूस हुई। असल में वो अनचाहे गर्भ और यौन संचारित बीमारियों से बचना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने कई सारे तरीकों को अपनाया। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कोई जैतून का तेल, तो कोई मगरमच्छ के मल, तो कोई नींबू का इस्तेमाल करता था। अपने समय के महान दार्शनिक अरस्तु की लिखी हुई किताब हिस्टोरिया एनीमियम में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने कई बार जैतून के तेल को गर्भ गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। किताब के उल्लेख से पता चलता है कि अगर जैतून के तेल को देवदार के तेल या सीसा या लोबान की मलहम के साथ मिलाकर गर्भ पर लगाया जाए तो गर्भ धारण रोका जा सकता है। वहीं गर्भ निरोध के रूप में प्राचीन मिस्र के लोगों ने भी अलग अलग प्रकार के तरीके आजमाए। वे मगरमच्छ के मल से पैसेरी बनाते थे और इसका इस्तेमाल वजाइना में अनचाहे गर्भ और इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता था। उन लोगों का ये मानना था कि मगरमच्छ का मल आधुनिक शुक्राणुओं की तरह खार के गुणों से युक्त होता था। वहीं कई संस्कृतियों में निचोड़े हुए आधे नींबू का इस्तेमाल शुक्राणु नाशक के रूप में किया जाता था। यूरोप में नींबू के छिलके का लेप बनाकर योनि में भर लिया जाता था, जो कि एक शुक्राणु नाशक यानी स्पर्म किलर है। असल में कैसेनोवा के संस्मरण में बर्थ कंट्रोल को लेकर इस प्रयोग का जिक्र है। इसके अलावा बकरी की आंत, सिल्क के धागे, लिनन के कपड़े और कछुए की खाल से बने कंडोम का भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर कंडोम के इतिहास की बात करें तो ये हजारों साल पुराना है। इतिहास के पन्नों में देखें तो तकरीबन 1350 से लेकर 1220 ईसा पूर्व मिस्रवासियों द्वारा लिनन कंडोम के प्रयोग की बातें सामने आई हैं। वे लिनन के कपड़े से बने कंडोम का इस्तेमाल यौन संबंधी रोगों से बचाव के लिए करते थे। 100 से लेकर 200 ईस्वी तक आते आते लिनन के कंडोम का इस्तेमाल यूरोप तक पहुंच गया। 1700 ईस्वी तक आते आते पशुओं की आंत से बने कंडोम भी चलन में आए, लेकिन अधिक महंगे होने के कारण उस दौर में इस कंडोम का इस्तेमाल राजा की अवैध संतानों को पैदा होने से रोकने के लिए किया जाता था। ये आम लोगों की पहुंच से बाहर हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हालांकि साल 1860 में जब कंडोम को रबर का जामा पहनाया गया, तब बर्थ कंट्रोल की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आया। इस बदलाव का श्रेय एक अमेरिकी रसायन विज्ञानी चार्ल्स गुडईयर को जाता है। असल में चार्ल्स रबर पर रिसर्च कर रहे थे और वो इसे इलास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसके बाद कंडोम के प्रोडक्शन में क्रांतिकारी बदलाव आया। उन्होंने रबर से बने कंडोम का आविष्कार किया। रबर से बने कंडोम जानवरों के अंगों से बने कंडोम की तुलना में ज्यादा सस्ते, लचीले और टिकाऊ थे। उस समय मर्दों को सलाह दी जाती थी कि वे प्राकृतिक रबर से बने कंडोम को धोकर तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वह फट ना जाए। इस खोज के करीब 60 सालों के बाद साल 1920 में खोज हुई लेटेक्स की, जिसने कंडोम को नया अवतार दिया। लेटेक्स से बने कंडोम पहले के कंडोम की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट, पतले और लचीले थे। इस खोज के बाद कंडोम का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू हुआ और इसकी कीमतों में भी काफी कमी आई और कंडोम ने आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। इस तरह सिंगल यूज कंडोम का चलन शुरू हुआ। यूरोप और अमेरिका में तो कंडोम का प्रचलन शुरू हो गया,
लेकिन इसके तकरीबन 100 सालों के बाद भी भारत और यहाँ के लोग कंडोम से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। साल 1964 में जब देश की जनसंख्या 47 करोड़ थी, तब देश ने पहला कंडोम प्रस्तुत किया। लेकिन कंडोम को यहाँ क्या नाम दिया जाए, इस बात को लेकर काफी चर्चा और बहस हुई। असल में भारत सरकार चाहती थी कि विदेश से आए कंडोम को कोई हिंदी नाम दिया जाए। काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने काम के देवता कामदेव के नाम पर इसका नाम कामराज रखना चाहा। लेकिन उस दौर में कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। किंग मेकर कहे जाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर कंडोम का नाम रखा जाए, ये बहुत से लोगों को मंजूर नहीं था। इसी वजह से IIM के एक छात्र के सुझाव पर कंडोम का नाम निरोध रखा गया और इस तरह कंडोम का भारतीयकरण संभव हो सका।